लेकिन सहयोग के बाद आपको चरित्र अपना बनाना ही पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब हम तो नहीं बनाते, चल नहीं सकते, अपने आप बनते जा रहे, यो आपकी कुंडली नहीं आपको बनाती जाए, धीरे 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 आपको वैसे बनना ही पड़ेगा। वो कहेगी कि अच्छा नहीं बनते हो तो चलो इस तरह से, वो टेढ़ी उंगली घी भी निकाल लेगी, वो आपको इस तरह से बना के रख देगी कि आप कहेंगे कि हार गए बाबा जो कहो। एक साहब थे तो वो उनका दूसरे दिन ही शराब वराब सब छूट गया। उसके बाद वो गए जर्मनी, उन्होंने कहा थोड़ी सी चख तो ले, यहाँ की मुझे बड़ी पसंद थी वाइन, क्या लगती है। वो कहते हैं कि मैंने जो पिया तो उसके बाद माँ इतनी मुझे उल्टियाँ आई। मैंने कहा क्यों? कल ऐसे लगे कि मैंने जैसे कोई सड़ा हुआ भुज खा लिया। कहा तुमने सड़ा हुआ भुज कभी खाया था क्या? तो कहले नहीं, जब हम लोग डॉक्टर है ना कभी भुज खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो आती, मैंने सोचा कि वो सारा मैंने खा लिया और उल्टी पे उल्टी उल्टी पे उल्टी, कहले मेरे खून निकल आए, इतनी उल्टियाँ हुई। मैंने कहा कान पकड़े, आज से कभी नहीं छूंगा ये शराब। मैं तो कुछ नहीं कहती, ना मैंने उल्टी करवाई, लेकिन आप ही स्वयं साक्षात सत्य पे खड़े हैं, उसे मैं क्या करूँ। आप ही स्वयं स्वच्छता में खड़े हैं, अगर आप स्वच्छ हो जाए तो आपको कोई गंदगी नहीं अच्छी लगेगी, अपने आप ही चीज़ घटित होने लगती। शुरू में बहुत तकलीफें होती हैं, कुछ कुछ लोगों को तो बहुत ही परेशानी होती है इसमें आने में, किसी में ईगो आ जाता है तो वो अजीब सा कूदने लग जाता है। मैं देखती रह जाती हूँ कि अभी तो अच्छे बैठे होते हैं, अभी बंदर के जैसे कूदने लग गए। फिर किसी में देखती हूँ कि एक तरह की बड़ी घृष्टता आ जाती है, किसी में बड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी में कुछ होता है, पर धीरे 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 वो मुलायम होते जाते हैं और चीज़ सब बनती जाती है। वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो मैं आपको नहीं बताऊँ, लेकिन वो बनती है, क्योंकि बताने पर आप लोग घबरा जाए। उसकी उसके तौर तरीके जो हैं बहुत नाजुक हैं, लेकिन हैं बड़े कठिन। जैसे कि हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से फूल खिलते हैं, फिर किस तरह से उसके साथ कांटे आ जाते हैं, किस तरह से पेड़ बनते हैं, कैसे सुंदर सुंदर पत्तियों के आकार विकार बनते जाते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते। जब होता है तो देखते हैं हाँ कितना निसर्ग सुंदर है, इतने निसर्ग रम्य स्थान में हम आ गए, सब ये सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये कैसे बनी होगी, कौन सी शक्ति ने बनाया होगा, किस सुंदरता से बनाएगा, और उसके पीछे कितनी स्फोटक, कितनी भयंकर शक्ति भी हो सकती है, उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती जो इस चीज़ को बनने को रोके तो उसको घात करने वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई ना कोई शक्ति और भी उसके साथ जुटी हुई है जो हर समय उसकी सुरक्षा के लिए और रक्षण के लिए खड़ी। अनेक स्थल पे आपको इस तरह से अनुभव आते रहेंगे आपके चरित्र पर। एक साहब थे, उन्होंने सहयोग के बाद सब छोड़ दिया, लेकिन सिगरेट ज़रा छूटी नहीं। तो एक दिन वो मोटर में जा रहे थे और लोगों के साथ, और सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पीते पीते उनके मोटर में एक्सीडेंट हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, उनकी सिर्फ ये उंगली विशुद्धि की थोड़ी सी काट दी, तब वो समझ गए बात क्या थी। इस प्रकार धीरे धीरे चीज़ों से, शिक्षाओं से आप सीखते जाते हैं कि हमारा चरित्र जो है ज़रा इधर उधर जा रहा है, मोटर जो है वो ज़रा सी सीधे रास्ते पर नहीं, ज़रा कुछ इधर उधर फिसल रही है, फिर आप ठीक कर रहे, फिर आप ठीक कर रहे, करते करते ऐसी दिशा में आ जाते हैं कि आप दोनों ही चीज़ एक्सेलरेटर और उसका ब्रेक उसके माहिर मास्टर, वो मास्टरी जब आ गई तब समझ लेना चाहिए कि आप ड्राइवर हो। अभी सिर्फ ड्राइवर हो, अभी मास्टर होने के लिए आपको निर्विकल्प में उतरना चाहिए। जब आप निर्विकल्प में उतर जाते तब आप गुरु महाराज हैं, मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, सब आप लोग गुरु हो जाए, अपने ही गुरुत्व करके, अपने ही को सिखा कर, अपने ही को समझा कर। आप गुरु ऐसे वैसे नहीं हुए, दूसरों को सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉलेजेस में पहले टीचर्स के पास हम पढ़ते हैं, फिर जाके प्रोफेसर से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम गुरु होते हैं, इसी प्रकार सहयोग में भी पहले अपने ही ऊपर उसका सब अनुभव करके, उसका पूरा प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके फिर हम गुरु होते हैं। और जब हम गुरुत्व को आ जाते हैं तब फिर हम जानते हैं सबका कि हाँ हम भी ऐसे ही थे, तुमको हम जानते हैं, हाँ हाँ ऐसे ही हमारा था, यही मामला था, हम सब जानते ही हैं सब रहे, तब फिर बहुत आसान हो जाता, तब आप गुरु हो जाते हैं। और इसको कहना चाहिए कि सहज का जो चरित्र बनना और सहज में ज्ञान को प्राप्त होकर के उसमें
यह चीज जब तक नहीं आती है तब तक मनुष्य में उसकी विशेषता नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस वक्त आप गुरु हो जाते हैं तब आपको पता होता है कि अभी हमें कमियां हैं, तब आपको कोई ना कोई तपश्चर्या करनी। वो तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें भूखे मरिए, ये तो माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ को दुख देना तो आप भूखे रहिए, भूखे रहने कोई ज़रूरत नहीं, भूखा रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाइए, वो दूसरी बात है, पर परमात्मा के नाम पर आपको कौन सा तप करना चाहिए, कौन से तप से आप चलना चाहिए। परमात्मा के नाम पर एक ही तप करना चाहिए, माने ये कि अपनी स्थिति निर्विचार में बनानी चाहिए, ध्यान धारणा से अपनी सफाई करके अपनी स्थिति आपको निर्विचार में बनानी है। निर्विचार में जब आप आ जाते हैं तभी आपका जो ये पौधा है बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं माँ मुझसे ध्यान नहीं होता, तो भैया आधे ही रह जाओ, ध्यान रोज करना होगा। जब तक ये तपश्चर्या नहीं की जाएगी तब तक आप पूरी तरह से प्रकाश में नहीं हो सकते, तब तक आप दर्शन जो उन्होंने कहा हुआ है उस दर्शन को प्राप्त नहीं कर, तब तक आप हमें भी नहीं समझ, तब तक आप बिल्कुल नहीं हमें समझ सकते, क्योंकि जब तक आप में त्रुटियां रहेंगी तब तक आप उन त्रुटियों के झरोके में से देखिएगा। जैसे कि कोई नीले रंग का आप अपने आँख पर पर्दा बांधे तो हम आपको नीले दिखाई देंगे, पीले रंग का बांधे तो पीले दिखाई देंगे। इसी प्रकार कोई भी विकृति आपके अंदर होगी तो उसी तरह हम आपको नज़र आएंगे, हम आपको जो असलियत में नज़र आएंगे ही नहीं, वो एक हमारा तरीका भी। तो इसलिए ये चार चीज़ों को आपको इस नवीन वर्ष में सोच लेना कि अब हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें अब अपना चरित्र बनाना है, और चरित्र बनाने के लिए जो हमें तप और ध्यान करना है वो हमें करना है किसी भी हालत। लोग कहेंगे साहब हमारे पास समय नहीं, लेकिन ये बात नहीं, इंग्लैंड जैसे शहर में जहाँ की इतनी ठंड रहती लोग 4 बजे उठ के नहा करके ध्यान, लेकिन हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अच्छा अगले साल करें, ये साल और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं लोग तो सोचते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है, हम तो कैलाश की तरफ बैठे हुए हैं, हमको क्या ज़रूरत है, ये दक्षिण वाले करते रहे मेहनत, हम तो उत्तर में बैठे हैं, उत्तर प्रादेशिक लोग जो हैं। तो जितने भी उत्तर में लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि हालांकि कैलाश उत्तर में है लेकिन दृष्टि उनकी दक्षिण में है, इसलिए उनको दक्षिण मूर्ति कहते हैं। इसलिए चाहिए कि आप लोग भी अपनी ओर उनकी दृष्टि ला, उनकी दृष्टि आपके ओर लाने के लिए थोड़ी सी योग्यता होनी चाहिए और उस योग्यता में शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। यही गौरी स्वरूपा कुंडलिनी आपके अंदर जो शुद्ध इच्छा है उसको आपको जागृत करना, जो चीज़ मिसिंग है जो हमारे यहाँ जिसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए उसे कहते हैं डिसिप्लिन। दुनिया भर के कायदे कानून हमें आते हैं, आधा वर्ष कैसे कहना और आप आइए हमारे गरीब खाने कैसे कहना, ये सब आते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं आती है कि हमें अंदर का जो डिसिप्लिन है वो लाना पड़े, अंदर का डिसिप्लिन। वो इसलिए नहीं आया है कि गंगा यहाँ बहती है, गंगा जी किनारे रहते हैं तो हमको कौन छू सकता है, जिस देश में गंगा बहती है वो उसके बासी हैं, अब हमको कौन छू सकता है। इस तरह के अहंकार की भावनाओं से मनुष्य का जो डिसिप्लिन का पार्ट है वो चला गया, वो बहुत ज़रूरी हमारे यहाँ बैठता है। और दूसरी चीज़, यहाँ राजकीय आंदोलनों की वजह से जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, न जाने कितनी पार्टियाँ होंगी, रोज़ ही ये देखती हूँ एक आज एक पार्टी आ गई, जब मैं आती हूँ तो मैं पूछते भाई कितनी पार्टियाँ हो गई सब बता दो, मुझे तो कोई समझ भी नहीं आता। परसों एक साहब मिले तो वो पूछने लगे आप कौन सी पार्टी में हैं, मैंने कहा भाई मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ, तो कह ले मैं फलानी पार्टी में हूँ, मैंने कहा अच्छा ये किसकी पार्टी मुझे बता दीजिए, मुझे तो आज तक मैंने कान पे भी नहीं सुना किसकी पार्टी। तो उन्होंने कहा पहले वो पार्टी थी फिर उसकी ये पार्टी हुई फिर उसकी इतनी पार्टियाँ हुई, करते करते 16 पार्टी पे आया उसमें से एक पार्टी में वो। मैंने कहा नमस्कार मुझे ये ज्ञान नहीं था सब चीज़। तो ये सब चीज़ होने से हम भी पार्टीबाजी, और आज जो दूसरा दिन है वो बड़ा ही सुंदर है। आपसे पहले ही मैंने बताया था कि हमें अब भाई बहन का रिश्ता तो समझ में आता है, लेकिन भाईचारा कम, भाईचारे का रिश्ता कम, बहन चारा और भाईचारा ये चीज़ें कम,
लोग कहते हैं अगर दो औरतें कहीं रह ली फिर वो चाहे बहने हो गया सत्यानाश। देखिए मैं तो मर्दों को भी देखती हूँ कि कुछ कम नहीं। अब इनकी लड़ाइयाँ और तरह की होती, औरतों की दूसरी तरह की होती। आदमियों की लड़ाइयाँ जब शुरू होती है तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इसका स्वरूप कहाँ से पैदा हुआ, कुछ अजीब सा ही है। जैसे कि अब एक साहब आए, कहने लगे कि माता जी मुझे बड़ा प्रश्न हो रहा है कि ये जो साहब आए हैं, ये साहब सहयोग में तो आए लेकिन ये तो थोड़े दिन हुए आए, अब आए हैं तो ये कैसे इतना बोलने लगे सहयोग के। भैया उनको ज़्यादा समझता तो बोलने लगे, उसमें क्या हर्जा है, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आप भी बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं। अब वो सब ऑर्गेनाइज करने लग गए और हमें तो कोई चांस ही नहीं मिला, आप करिए ना, आप भी करिए, सब कर सकते। ये आदमी का तरीका है। औरत का और है कि देखिए वो गाना गा रही थी और हमको गाने को चांस ही नहीं दिया। दोनों पशुपेश मुझे, मेरे लिए ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई हम बात कर रहे हैं आसमान की और आप बात कर। हम कर रहे हैं कि जाके आपको सितारे बना करके आकाश में हम चमकाएं और आप लोग मिट्टी के दिए के बराबर भी नहीं बात करोगे तो फिर मैं क्या आगे बोलूँ। मैं तो अवाक रह जाती हूँ जब ये बातें सुनती हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य कि ये मुझे, ये मेरी गर्दन खींच रहे हैं, वो मेरे दबा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है माँ को खुश करने के लिए, सबसे पहले आपस में आप भाईचारा और बहनचारा, ये सबसे प्रथम चीज़ आपको मेरी कहने की है कि मेरे लिए आपको अगर वाकई आनंद देना है तो पहले भाईचारे। अब सहयोग का भाईचारा जैसे चलता है वो इस प्रकार, कोई आया आते साथ तेरे तो भूत लग गया तू जा। वो मेरे पास आया, माँ मेरे भूत लग गया। मैं कहती हूँ तुमको किसने बताया, वो गया था मैं, उन्होंने बताया तेरे भूत लग गया, माँ मेरा भूत निकलवा रही। मैंने कहा तुम उन्हीं को कह दो कि तेरे भूत लग गया, तुरे को भूत वूत नहीं लगा, कहा है मेरे पीछे पड़ा, नहीं उन्होंने बता दिया मेरे भूत लग गया। दूसरा आएगा कि जो देखो वही मुझे कहता है कि तेरा ये चक्र पकड़ रहा है, माँ मेरा ये चक्र पकड़ रहा है। अरे मैंने कहा भाई तुम क्यों उसको कर। तुम ऐसा करो कि उससे बताओ कि भाई तुम्हारी जागृति कर लो, धीरे धीरे सेंसिटिविटी आ जाएगी तो तुमको खुद ही पता हो जाएगा तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो कि तेरी ये भूत लगा, तुम्हारे वो भूत लगा, तुमको ये चक्र पकड़ा, तुमको वो चक्र पकड़ा। दूसरे ये आप लोग सहयोगी हो कि नजाकत के नमूने। कि एक घर भूत आया तो सारे सहयोगी भाग खड़े हो गए। अरे पूछा कहाँ भाग गए हो, ये भूत आ गया। साहब मैं तो भूत की बात ही नहीं करने वाली थी, शुरू से मैंने तय किया था कि मैं भूत के बारे में कहूंगी नहीं। लेकिन जब अमेरिका गई तो एक देवी जी ऐसी थी कि वो जब मेरे पास आई तो उनसे मैंने कहा देखो तुम्हारे गुरु बड़े ऐसे कुछ थे और तुमको कुछ ना कुछ सिद्धि देंगे तो उससे बच के रहा। जब लौट के आई तो देखती हूँ कि देवी जी क्या 3,000 4,000 आदमी आते हैं, उनके चांदी के बड़े बड़े घड़े बने हुए हैं, उससे उन्होंने मेरे पैर धोए, उनके घर ले गए और सब दूर देखती भूत बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रही हो, तो लोगों ने बताया कि ये तो घोड़े का नंबर बताती है और ये पैसा किसी का गया तो वो बताती है और मारती है हाथ में चाबुक देके लोगों। मैंने कहा माई तू घर पे आ, उसको घर पे बुला। तो मैंने कहा अच्छा बताओ इनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ, जो बताया सो झूठ। तो घबरा गई, कहती माँ आपने मेरे सब क्या शक्तियाँ ले ली। मैंने कहा बेटे तुम्हारी अपनी शक्ति थी तो सर आँखों पर, लेकिन ये तो किसी और की शक्ति थी जो भाग खड़ी हुई मेरे सामने, लेकिन मुझे तो परम चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तीन बार कहो, परम चाहिए परम चाहिए। लेकिन वो पॉपुलैरिटी का जो भूत चढ़ा हुआ था उन पर, तो फिर जाके वही बन गई, अब पागल खाने बैठी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने को इतने शक्तिशाली बनाइए कि भूत बाहर भागते फिरे।
आप देखा कि एक सहयोग ग्यारह तो सारे भूत दिल्ली से उठ के भाग खड़े थे, हजारों की तादाद में भाग जाए, लेकिन आप तो शक्तिशाली हो ही, आप तो भूतों से डरते तो और आपके खोपड़ी पे बैठेंगे नहीं तो क्या होगा। एक भूत वाला आदमी आ गया कि सारे के सारे दबक के चले गए, वो इधर ग्यारहवीं क्या बात है, वो भूत वाला अंदर आया। तो ये भाईचारे की बात। अब उसका कारण क्या है, हम अशक्त क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर संघ शक्ति। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि संघम शरणम गच्छामि, संघ की शक्ति हमारी बनानी चाहिए। हम सब जैसे भी हैं सब मिल करके उठा। आपने तो कितने किस्से सुने होंगे कि संघ से कितने लोगों ने कार्य करके दिखाए। एक चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सी चिड़िया थी और वो एक जाल में फंस गई। उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर सब मिल करके अपने पंख पसारें तो इस जाल से हम विमुक्त हो सकते हैं, इसको उड़ के हम चले जाएंगे। और इस तरह से उड़ के चली गई। और फिर उन्होंने चूहों से कहा कि भाई तुम हमारी अगर मदद करो तो हम इस जाल से छूट जाएंगे। तो सब चूहों ने मिलकर उनको काट दिया, उससे वो छूट। इसी प्रकार हमको भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी संघ शक्ति को बढ़ा लें तो कोई भूत यहाँ आएगा ही क्या, वो तो पहले ही भाग जाएगा, एक नहीं हजारों उठ के उनके कारवा के कारवा यहाँ से उठ जाए। लेकिन हमारी संघ शक्ति कम, इसलिए हम कमजोर हैं। हम ये नहीं सोचते कि सहयोग बढ़ रहा है तो दो हाथ लगाए, सहयोग बढ़ रहा है वो बढ़ा रहे हैं चलो उनको काटो, वो फलाना है उनके खिलाफ चिट्ठी भी माँ को, तो माँ का सर इसी में निकल जाता है। अगर आप चिट्ठियाँ पढ़िए तो हैरान हो जाए, सात सात सफ़े की चिट्ठियाँ आती है ये बताने के लिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो भूत है। अब मुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं कौन भूत है और कौन नहीं। लेकिन इस तरह की ये जो हमारी बातें हो गई हैं सहयोग में कि इनके वाइब्रेशन अच्छे नहीं इनका है, मैं कहती हूँ कि हज़ारों ऐसे लोग यहाँ आ जाए तो भी आपको डरने की कौन सी बात है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक धुमाल नाम के साहब हैं, तो मुझसे पहले तुम लोग को भूत कहाँ से पकड़ते, तुम भूत को पकड़ो, तुमको भूत कैसे पकड़ते। तो एक बार हमारे यहाँ वहाँ पे राहुरी में एक आदमी आया, उसके पछाड़ा हुआ था। तो वो जब उसमें आया तो बोलने लगा कि ये तीन तीन सहयोगी उस रास्ते से जाते हैं, वहीं हम लोग रहते हैं, तो इनसे कहिए कि वहाँ से न जाए नहीं तो हम लोग जाके डरेगा। ये तीन सहयोगी वहाँ से जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम लोग उस वहीं पेड़ पे रहते हैं, अगर ये वहाँ से जाएंगे तो हम लोग कहाँ। तीन सहयोगियों की ये कमाल है, तो आप इतने सहयोगी हैं और अगर हैं तो किसकी मजाल है किसी सहयोगी के पास फटक जाए। अपनी जो संघ शक्ति है वो बढ़ाए, अंदर जो भी डर है उसको हटाइए। डर से आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और आप बुद्ध से बाधित हो जाते हैं। डरना किससे, डरने की कौन सी बात है। बहुत सा हमारा झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम किसी से डरे, आपस का झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम उस आदमी से न डरे। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारी पोजीशन खराब जाएगी। यहाँ कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहाँ कोई पोजीशन है नहीं आज कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है कि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है कि कोई मिनिस्टर बदलने वाला है कि जो सब हालत अपनी अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं। यहाँ तो सबकी कुर्सी जमाने का काम, जिस जिसको आसन दिया वो आपका आसन जमाने का कार्य होने वाला है। तो भाईचारे से जब जमने वाली है तो क्यों ना भाईचारे में। पिछली मरतबा मैं सबसे मजाक कर रही थी, मैंने कहा कि आप किसको भाई बना रहे हैं बताओ, अब छोड़ो बहने तो बहुत बन गया, भाई बना लो। और बहनों को चाहिए कि अपनी भी सहेलियाँ बनाओ। पहले बड़ी सहेली का बड़ा महत्व होता था, आजकल सहेली तो शब्द रहा ही नहीं गया। कोई भी स्त्री से पूछो भाई तुम्हारी कोई सहेली, मेरी कोई सहेली वहेली नहीं। मैंने कहा क्यों क्यों सहेली नहीं, नहीं बात यह है आजकल के ज़माने में कौन सहेली को पाल सकता है। और इसलिए औरतों में पटना यानी असंभव बात, दो औरतें अगर हो गई तो मेरा तो सर गया। मुश्किल ये हो जाती ना जाने कहाँ से इनको सब बातें मिलती हैं। अब फिर दूसरी बात ये भी होती कि पुरुष का तरीका जो है वो बड़ा खुला होता है लेकिन कभी कभी बड़ा ही स्फुटक होता है, उनके तौर तरीके से कभी कभी बड़े ही नुकसान हो सकते हैं। लेकिन स्त्री का तरीका बड़ा अंदर से घुसता होता है। जैसे अभी एक आई तो हमें कहने लगी कि एक सहयोगिनी आई थी तो वो हमसे बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की जिसकी शादी हुई थी उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा यही, और जो
51 शादी हुई थी जो अच्छे से, वो कोई खबर बात नहीं, माने वो न्यूज़पेपर का जो तरीका है ना, जो कुछ ख़राब हुआ वो बिल्कुल पहले लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, फिर वो इधर जाएंगे, देखा तुमने सुना कि वो जो फलानी उसकी शादी हुई थी वो शादी थी, अरे भाई 51 शादी हो गई वो ठीक हो गई, तुमने कहाँ से सुना, फिर वो जाएगी तुमने सुना ऐसा हो, कोई ये नहीं कहता कि भाई कोई कही और रे प्रभु आवन, कोई प्रभु के आने की बात भी करो, वो नहीं, ये सब बातें कि ये गलत हो गया, तुमको पता है उनका उनके साथ हो गया, अरे मैं तो दंग रह गई, ये कैसे। इस वजह से आपस में स्त्रियों को बड़ा भय, डरती हैं कि कैसे इनसे कहा जाए, अगर घर में कोई चीज़ आ तो छिपा के रख देंगी कि ये देख ले तो इनको इनकी नज़र ना, आपस में डर शुरू हो जाता है, और ये जो है इस डर से इतनी ज़्यादा स्त्रियाँ जिसको कहना विपदग्रस्त है, हर समय परेशान रहती है। उसको आप छोड़ दीजिए, एक दूसरों पे भरोसा करें, एक दूसरों को ट्रस्ट करिए, एक दूसरों को ट्रस्ट करना सहयोग का नियम है। अब देखिए इतना रुपया इकट्ठा होता है सहयोग में, हम लोग भी बहुत सा रुपया देते हैं और उसके ट्रस्ट हैं, आपको आश्चर्य होगा मैंने कभी भी ट्रस्ट का हिसाब नहीं देखा आज तक, मुझे भी नहीं मालूम कितना पैसा है। बहरहाल हमारे भाई साहब आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उनसे कहती तुम देख लो तुम क्या करना, वो मुझे आके कहता कि अरे क्या कर रहे हो, ये इतने कंजूस लोग हैं, एक भी पैसा नहीं खर्चा करते, और तुम्हारे सहयोगी इतने कंजूस क्यों हैं, इनके ऊपर में इनकम टैक्स आ जाएगा। मैंने कहा इनकम टैक्स को भी हम सहयोग में लाएंगे। तो सहयोगी कहते लेकिन खर्चा कहाँ करें, कोई बन ही नहीं रहा खर्चे का, तो मैंने कहा कुछ इंतज़ाम करो, कुछ खर्चा करो जिससे ठीक हो जाए। लेकिन आपसे कह रही हूँ कि भरोसा, लोग मुझे कहते थे कि देखिए माँ आपको देखना चाहिए हिसाब, मैंने कहा मेरे कभी मैंने हिसाब किताब आता ही नहीं, मैं क्या देखूँगी, जो होना होने दो, लेकिन कभी एक पैसा इधर से उधर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होती इस हिंदुस्तान में, यहाँ पर कि आप किसी से पूछो भाई वो ज़मीन मिल जाएगी, नहीं वो पैसा खाता है, वहाँ गए वो हो जाएगा काम, नल मिल जाएगा, नहीं वो पैसा खाता है, जो सो पैसा खाता है, मैंने कहा कुछ खाना वाला खाता है कि पैसे ही खाते रहते हैं, सभी लोग पैसा खाते रहते हैं। तो ऐसी हालात में भी आपको आश्चर्य होगा कि सहजों का एक पैसा इधर से उधर नहीं, एक छदाम इधर से, हमारे भाई खुद हैरान है कि भाई हमने तो ऐसे कहीं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतनी करते हज़ार जगह, ना कोई गोलमाल है, ना कोई गड़बड़ है, ना कुछ ऐसे कायदे की, ये कहाँ से आए, इतनी ईमानदारी कहाँ से, ये कहाँ से आए, ये एक अपने आप चरित्र अंदर बन रहा है, और दूसरा ये माँ का भरोसा, माँ का विश्वास। इसी तरह आप एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की गलतियाँ को मत देखिए, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, दूसरों की आप अच्छाई बताइए, ये सोचिए सुबह से शाम तक कि उस औरत में या इस हमारे मित्र में कौन सी अच्छाई है, कौन से अच्छे गुण हैं। इसका मतलब नहीं आप अपने को दोष दीजिए, बहुत लोगों की ये भी आदत है मैं ही खराब हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज़ आप अपना दोष मत देखिए, लेकिन ये देखिए कि दूसरे आदमी में अच्छाई क्या है, उसके अच्छे गुण क्या है, उससे आप लाभित हो जाएंगे, उससे आप नरिश हो। लेकिन आप दूसरों के दोष रोज गिनते रहेंगे तो सारे दोष आपके अंदर नजर आ जाएंगे। इसलिए दूसरों से दोस्ती करने में, दूसरों से प्यार करने में, दूसरों से वार्तालाप करने में एक मधुरता लेकर के, एक प्रेम की भावना लेकर के अगर आप करें तो सहयोग बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आप इसे पा सकते, और सारे संसार में सहयोग पा सकते, सारी दारोमदार मेरी आपके ऊपर, मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं आपके हाथ पैर क्यों जोड़ती। लेकिन मैं इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आज शुभ अवसर, इतना सुंदर अवसर है कि आज नवीन वर्ष भी है और आज ही ये भाई बहन की बात, अब ये तो हिंदुस्तान में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, एक दो होते हैं ऐसे वैसे जो कि बेकार लोग होते हैं, उनको भाई बहन समझ ही नहीं आती, उनको छोड़ दीजिए, उनको आज नहीं समझ में आएगी, हिंदुस्तान में नहीं समझ में आएगी तो कभी भी नहीं समझ आने। लेकिन जो आप लोगों को समझना है वो ये कि ये जो भाई बहन आप बना रहे हैं आज के दिन, आज के जो भैया द्विज आप कर रहे हैं, उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि ये भाईचारे की, इस देश में भाईचारे पर अनेक गाथाएँ लिखी,
किस तरह से लोगों ने मिलजुल करके काम किया, सारा गांधी जी का आंदोलन, सारे 42 का मूवमेंट, सोचिए कितना त्याग लोगों ने किया। अब तो हमारे फादर खुद इसमें पड़े हुए थे, आपसे मैंने पहले भी बताया, तो यह हालत थी कि महलों में रहते रहते फिर जाके झोपड़ी में रहो, लेकिन सारा शहर हमारी सारा शहर, किसी दुकान में जाओ, अरे आप क्या पैसे दे रहे हैं, पैसे देने बाद में आपके बाप आएंगे, कोई साड़ी खरीदने जाओ, अरे एक साड़ी ले जाओ बहन, क्या बात है, आपके बाप जब आएंगे तब भी, कहीं कुछ कभी कमी नहीं उन लोगों ने पड़ी थी, सब हाथों हाथ उठा, यानी सरकारी नौकर पुलिस वाले सब साथ में, पहले ही खबर कर देंगे कि आज आपके यहाँ वहाँ आज आने वाले हैं, हम लोगों को ऑर्डर आ गया है कि आपको वहाँ पर पकड़ने आने का है, या आपके यहाँ हम सर्च में आ रहे हैं, सब चीज़ हटा दो, पहले 24 घंटे पहले ही उसकी खबर आ जाती थी कि भाई यहाँ से हटा दो, और वो खुद ही लाते थे अपनी गाड़ी, पुलिस वाले खुद उसी गाड़ी में उठा कर दूसरी जगह, वो कहाँ गए, वो हिंदुस्तानी आज कहाँ गए, अगर उस स्वतंत्रता के लिए आपने इस किया तो ये सारे संसार के स्वतंत्रता के लिए भी तप करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा तप ये है कि आपसी प्रेम, आपसी प्रेम, आपसी समझदार, आपसी एक तरह की एकतांत्र आत्मीयता, कोई बीमार पड़ गया दौड़े जाओ सारे, कोई किसी को आफत आई सब दौड़े, कोई भी चीज़ का शेयरिंग हो याद आना चाहिए, जैसे मुझे आप लोग कभी कभी मिठाई देते हैं कुछ देते हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि मैं तो खा रही हूँ लेकिन सहयोगियों को सब जगह मिठाई शायद नहीं मिल रही होगी, और मुझे फिर कभी ख्याल आता है कि लंदन के सहयोगियों को ये वाले लड्डू बड़े पसंद आते हैं, तो आज नहीं खाएंगे फिर छोड़ दीजिए, ऐसा ही मन करता है कि क्या है, सारे लंदन के सहयोगी ये लड्डू बहुत शौक से खाते हैं, अब जाएंगे तो बना के उनको खिलाएंगे तभी खाएंगे, तो खाने को मन नहीं करता, इस तरह की एक आत्मीयता, एक अंतर इतनी समाधानकारी होती, इतनी आनंदमय होती, अपने लिए जीने का जो एक तरीका है वो छूट करके सबके लिए जीने का जब तरीका आ जाता है तभी मनुष्य विशाल हो जाता है, और ये विशालता आप प्राप्त कर सकते हैं सहयोग से, और आज इस नवीन दिवस पर ये विशेषता का एक संदेश अपने हृदय में रखना चाहिए कि आज से हम बहुत विशाल हो जाए, और ये विशालता हमारे हृदय में बसे, और इससे हम सारे जितने सहयोग हम सब भाई बंध ही नहीं, एक माँ के बेटे हैं, एक सूत्र में बांधे हुए, अत्यंत सुंदरता से संजोए हुए प्यारे प्यारे सब फूल, जब हम अपने प्रति ऐसी सुंदर भावना कर लेंगे और दूसरों के प्रति भी, तभी जा करके एक सुंदर सा हार तैयार हो सकता है, कोई से भी एक भी फूल उसमें ख़राब हो जाने से गड़बड़ हो जाए, इसलिए सब लोगों को इसी धारणा से चलना चाहिए, और हमारा अनंत आशीर्वाद है कि आप सब लोग इस विशेष रूप को प्राप्त करें।